नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। मंगल ग्रह पर उम्मीद से अधिक पानी के प्रमाण मिले हैं। चीन के मार्स रोवर जिसे जुरोंग ने इस दिशा में एक नई जानकारी जुटाई है। साइंस एडवांसेड पत्रिका में प्रकाशित हुए अध्ययन में कहा गया है कि जुरोंग ने मंगल ग्रह के निचले और गर्म इलाकों में भी पानी के आकलन से जुड़े प्रमाण दिए हैं। भारतीय टीम के दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल शमी की पत्नी हसीन जहां ने इस क्रिकेटर की गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपनी याचिका में हसीन जहां ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें शमी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर सत्र न्यायालय की रोक को बरकरार रखा गया था। ऑपरेशन कावेरी के तहत 328 भारतीय मंगलवार को संकट ग्रस्त सूडान से नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे। अब तक लगभग 3000 फंसे हुए भारतीय भारत पहुंच चुके हैं। गौरतलब है कि सूडान में संघर्ष के बीच सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी भारतीय नागरिक सूडान में ना छूटे। भारत ने 24 अप्रैल को ऑपरेशन कावेरी शुरू किया। बता दें कि सैन्य विमानों और युद्ध पोतों को भी तैनात किया गया है। देश की एक और एयरलाइन कंपनी दिवालिया हो सकती है। दरअसल प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइन गो फर्स्ट ने एनसीएलटी के समक्ष स्वैच्छिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक लो कॉस्ट कैरियर गो फर्स्ट ने फ्लीट की दिक्कतों और फंड की कमी के चलते अगले 2 दिनों के लिए नई बुकिंग रोक दी है। इस बीच नागर विमानन महानिदेशालय ने गो फर्स्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एयरलाइन द्वारा 3-4 मई को बुकिंग रद्द करने के संबंध में इधर सरकार की तरफ से भी बयान आ गया है। पाकिस्तान के कुछ आतंकी समूहों की ओर से हमलों की धमकियों के बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में आगामी G20 बैठक के लिए एक पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था तैयार की है। श्रीनगर में मंगलवार को एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक आयोजित की गई जहां सुरक्षा बलों के शीर्ष अधिकारियों ने आगामी G20 कार्यक्रम के शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त रणनीति तैयार की है। भारतीय सेना की विशेष इकाइयां सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेंगी। ऊंची जगह और गलियारे की सुरक्षा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली नगर निगम में 10 सदस्यों को मनोनीत करने के उपराज्यपाल की शक्ति को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर 8 मई को सुनवाई करेगा। बता दें कि उपराज्यपाल के कार्यालय ने सुनवाई स्थगित करने की मांग वाला एक पत्र शीर्ष अदालत में पेश किया था। साल 2017 में एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की। इसमें मांग की गई कि फांसी से मौत की सजा देना बहुत दर्दनाक होता है। इसमें तरफ तरफ कर मौत होती है, इसकी बजाय मौत की सजा देने के लिए कोई और तरीका सोचना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो मौत की सजा पाने वाले दोषियों को फांसी के अलावे और भी तरीकों पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने पर विचार कर रही है। द केरल स्टोरी फिल्म के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया और कहा है कि याचिकाकर्ता केरल हाईकोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि चूंकि फिल्म 5 मई को रिलीज होने वाली, इसलिए हाईकोर्ट मामले में जल्द सुनवाई पर विचार कर सकता है। कोर्ट ने कहा है कि हर मामले में सुप्रीम कोर्ट उपाय के तौर पर नहीं आ सकता, इस मामले में हाईकोर्ट जा सकते हैं, हम यहाँ सुपर हाईकोर्ट नहीं बन सकते। उच्च शिक्षा विभाग ने स्नातक सत्र 2023-27 में दाखिले की प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी कॉलेजों में फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर का आकलन शुरू कर दिया है। बिहार बिहार विश्वविद्यालय सहित राज्य के सभी विश्वविद्यालयों से कॉलेजों में आधारभूत संरचना, प्रयोगशाला और पुस्तकालयों के बारे में जानकारी मांगी गई है। इसके साथ ही नए स्थापित डिग्री कॉलेजों के बारे में भी संबंधित विश्वविद्यालयों से पूछा गया है कि उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर रेखा कुमारी ने विश्वविद्यालयों के कुल सचिव को पत्र भेजकर कॉलेजों में आधारभूत संरचना की जानकारी मांगी है जिससे जरूरत के अनुसार प्रयोगशाला व पुस्तकालय को विकसित किया जा सके। बिहार में हरी खाद योजना एक बार फिर से शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने हरी खाद यानी मूंग और ढेचा के खेती के लिए अनुदान राशि जारी कर दी है। किसानों को मूंग बीज पर 80% और ढेचा पर 90% अनुदान दिया जा रहा है। हालांकि देरी हो जाने के कारण मूंग के बीज का वितरण फरवरी 2024 में किया जाएगा। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी CUET UG में छात्रों को इस बार राहत मिलेगी। इस बार छात्रों को एक दिन में अधिकतम 4 पेपर ही देने होंगे जबकि पिछले साल CUET UG में शामिल होने वाले छात्रों को एक दिन में 6-6 पेपर देने पड़ रहे थे। CUET परीक्षा 21 मई से 31 मई तक 3 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। CUET UG के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को परीक्षा से 3 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। NTA ने कहा है कि जिस छात्र की परीक्षा जिस दिन होगी उससे 3 दिन पहले एडमिट कार्ड NTA की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। NTA 14 मई को सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी करेगा। इससे छात्रों को पता चल जाएगा कि उनका परीक्षा सेंटर कौन से शहर में है। लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच बीते सोमवार को इकाना में हुए मुकाबले के दौरान गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच विवाद हो गया था। ग्राउंड में हुए विवाद का वीडियो कुछ लोगों ने यूपी पुलिस को टैग करते हुए ट्वीट किया। इस बहस को चुटकुले अंदाज में लेते हुए यूपी पुलिस ने भी ट्वीट किया कि कोई भी मसला हमारे लिए विराट और गंभीर नहीं, किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में तुरंत 112 डायल करें। इसके बाद से यह मैसेज इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया।
किसी बैंक के पास राज्य की कोई जमीन गिरवी है या नहीं, इसकी जानकारी अब जमाबंदी पंजी देखकर मिल सकेगी। इसे लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई सुविधा विकसित की है। इसका मकसद नए जमीन विवाद को रोकना है। राज्य के सभी बैंकों द्वारा यह सुविधा उपलब्ध कराने की सरकार से मांग की जा रही थी। इससे नए कार्य से राज्य के रैयतों को बहुत फायदा होगा। यह जानकारी मंगलवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक कुमार मेहता ने अपने विभागीय कक्ष में संवाददाता सम्मेलन में दी है। लंदन में 6 मई को किंग चार्ल्स तृतीय और रानी का राज्याभिषेक होगा। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद से ही किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं। राज्याभिषेक से पहले मंगलवार को पश्चिमी भारत के ब्रिटिश हाई कमिश्नर एरन जेमेल ने उनके सम्मान में मुंबई के कार्यक्रम का आयोजन भी किया। कार्यक्रम में टाटा समूह के वरिष्ठ सदस्य शामिल हुए जो इस आयोजन के प्रमुख प्रायोजक थे। इनके अलावा कार्यक्रम में राज्य सरकार के गणमान्य व्यक्ति, राष्ट्रमंडल देशों के महा वाणिज्य दूत, व्यापारिक नेता और गैर सरकारी संगठन के सदस्य भी शामिल हुए। तथा कथित खालिस्तानी गुटों ने अपने हिंसक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 30 अप्रैल को वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह और उसके साथियों की रिहाई के नाम पर वैंकूवर स्थित भारतीय कॉन्सुलेट के सामने नारेबाजी की है। वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह और उनके साथियों की रिहाई को लेकर यह नारेबाजी की गई। काउंसिल ऑफ सिख फॉर जस्टिस और 8 गुरुद्वारा साहिब के नेतृत्व में इस विरोध प्रदर्शन के दौरान इन प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्तार लोगों की रिहाई की बात कही और अपने खालिस्तान एजेंडे पर जोर दिया। केंद्र और गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो और गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट में यू टर्न लेते हुए कहा है कि 11 दोषियों को किस आधार पर रिहा किया गया, इसके लिए असली दस्तावेज वह कोर्ट के सामने पेश करेगी। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के खबर को प्रमुखता के साथ छापा गया है। अखबार लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपने पुराने बयान से पलटते हुए अब केंद्र और राज्य सरकार कोर्ट के सामने वो दस्तावेज पेश करेगी जिसके आधार पर बिल्किस बानो के रेप के दोषियों और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या करने वालों को रिहा करने का फैसला लिया गया ताकि कोर्ट इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ा सके। परिवार व्यवस्था और मूल्यों को बनाए रखने वाले देशों में शुमार भारत रिश्ते बचाने में दुनिया में टॉप पर है, जबकि कई देश ऐसे भी हैं जहां 94% तक रिश्ते टूट जाते हैं। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डेटा के मुताबिक एशियाई देशों में रिश्ते कम टूटते हैं जबकि यूरोप और अमेरिका में परिवार ज्यादा बिखर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के बाद वियतनाम का नंबर है जहां 7% रिश्तों में ही तलाक की नौबत आती है। ग्लोबल स्तर पर मंदी की आशंका के कारण कई कंपनियां बंद हो चुकी हैं। बैंकिंग सेक्टर पर इसका बुरा असर भी पड़ा है। वहीं आईटी सेक्टर से ज्यादातर कंपनियों ने कर्मचारियों को निकाला। इस बीच एक ऐसा डेटा सामने आया है जो वाकई डरावना है। अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और कनाडा जैसे देशों में भारी मंदी का अनुमान है। हालांकि इस डेटा में भारत को भी बड़ी राहत मिली है। भारत में मंदी की संभावना शून्य है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डेटा के अनुसार सबसे ज्यादा मंदी का असर ब्रिटेन में दिखने वाला है। समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को अदालत से कहा है कि वह ऐसे लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए समिति बनाने को तैयार है। केंद्र ने कोर्ट से कहा है कि प्रशासनिक उपाय तलाशने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने पर सहमत है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि याचिकाकर्ता प्रशासनिक उपाय तलाशने के मुद्दे पर अपने सुझाव दे सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार समलैंगिक जोड़ों की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रशासनिक कदम तलाशने के सुझाव को लेकर सकारात्मक है। भारत में मानसून आने में महज 1 महीना बाकी है। देश में मानसून की शुरुआत 1 जून के आसपास होती है। उससे 2 महीने पहले अप्रैल और मई में भारत के समुद्रों में तूफान बनने का समय होता है। मानसून आने से पहले ही बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में तूफान बनने लगते हैं। इस बार अप्रैल के महीने में कोई तूफान नहीं आया। हालांकि अब खबर है कि इस साल का पहला चक्रवात बंगाल की खाड़ी में बनने जा रहा है। चक्रवात 8 मई के आसपास बनेगा और इससे भारत और बांग्लादेश के तटों की ओर बढ़ने की संभावना है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह रोजाना की दया याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। दोषी बलवंत सिंह राजोआना की फांसी को उम्र कैद में बदलने की मांग वाले मामले पर बुधवार को सुनवाई हुई जहां उसे सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारत संघ के सशस्त्र बलों के जवानों को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया है। राज्य में आर्टिकल 370 हटाने के बाद इस प्रोटेक्शन का प्रावधान किया गया है, यानी कि अब केंद्र सरकार की सहमति के बिना किसी जवान की गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। जबकि 3 वर्ष पहले तक राज्य में रणवीर पिनल कोड 1989 लागू था, इसके चलते वहां पर दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के सेक्शन 45/1973 के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान नहीं था। भारत में टीकाकरण से टीबी के इलाज में काफी मदद मिल सकती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का दावा है कि टीकाकरण के बाद टीबी में मरीजों में 50% की कमी आ सकती है। उत्तर गोवा जिला प्रशासन ने मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के चारों तरफ तथा आसपास के गांवों में 2 माह के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 144 लागू कर दी है। दरअसल हवाई अड्डा परियोजना के लिए जिन लोगों की जमीन गई है उन्होंने सड़क जाम करने का आह्वान किया है। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2022 में किया था।
यदि आपका आधार कार्ड 10 साल या इससे अधिक पुराना हो गया है तो इसे अपडेट करवा लें। अपडेट किसी भी आधार केंद्र, जन सुविधा केंद्र या ऐसे बैंकों और डाकघरों में करवा सकते हैं जहां पर आधार से संबंधित काम होते हैं। इसके लिए आपको पहचान पत्र और पते का प्रमाण देना होगा। अपडेट करवाने के लिए ₹50 शुल्क भी लगेंगे। बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट अभिनव श्रीवास्तव और दीनू कुमार और बिहार सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके साई ने अपना पक्ष रखा है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब कोर्ट गुरुवार को इस मामले में फैसला सुनाएगी। नए वित्त वर्ष 2024 के पहले महीने अप्रैल 2023 में भारतीय करेंसी रुपया दुनिया में दूसरी सबसे तेजी से उभरती हुई मुद्रा बन गई है। यहाँ उभरती हुई मुद्रा का मतलब वैसी मुद्रा जो वैश्विक बाजारों में अपनी पहचान और जगह बना रही है। अप्रैल में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 0.41% मजबूत हुआ है। वहीं पहले स्थान पर इंडोनेशिया की करेंसी रुपया रही है। इंडोनेशिया रुपया डॉलर के मुकाबले करीब 2% मजबूत होकर लिस्ट में टॉप पर रही। भारत का घरेलू हवाई यातायात एक ही दिन में 4,56,082 यात्रियों के साथ एक रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। 30 अप्रैल को यह बड़ा इतिहास बना। देश भर में 2,978 उड़ानों के द्वारा इन लोगों ने उड़ान भरी। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया है कि कोविड के बाद आसमान छूता घरेलू यात्री यातायात भारत की उच्च वृद्धि का प्रतिबिंब है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर सख्त से सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। उससे ईंधन खरीदने पर भी रोक लगाई गई है। हालांकि प्रतिबंधों की झड़ी लगाए जाने के बावजूद रूस ने अपने आक्रमण नहीं रोके। प्रतिबंधों से बचने के लिए रूस ने भारत और चीन के साथ अपना व्यापार कई गुना बढ़ा दिया और उन्हें अपने सस्ता कच्चा तेल ऑफर किए। ये दोनों देश सस्ते रूसी कच्चे तेल पर खूब आयात कर रहे हैं और मुनाफा भी कमा रहे हैं। कोरोना का भारत में कुछ दिनों पहले खौफ देखने को मिल रहा था। हालांकि राहत की बात यह है कि अब बढ़ते ग्राफ पर ब्रेक लग गया है। देश में पिछले 9 दिनों में कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखी जा रही है। इसके साथ ही 28 दिन बाद देश के एक दिन में 4,000 से कम नए केस सामने आए हैं। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखा दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, MD साकिर हुसैन, दीपक कुमार, अजीत पोरस, मोहद सिकंदर और नीतीश कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, जाति आधारित जनगणना पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।